हेलो गाइस, तो आधे से ज़्यादा लोग तो खुश हो गए होंगे कि मैम आज फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, राइट। एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि मैम ओनली फिजिक्स छोड़ दे तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा। तो ओनली फिजिक्स नहीं है बेटू ये, अगर फिजिक्स छोड़ दिए तो काम नहीं चलेगा। बट आपने अगर फिजिक्स में से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद कर लिए, अगर कुछ कॉन्सेप्ट है तो वो पढ़ लिए, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनको कम से कम 300 का टारगेट लेके चलना ही चलना है, ठीक है। मतलब वही महान पढ़ने वाले बच्चे जो जनरल और ओबीसी में आते हैं, पढ़ने वाले बच्चे तो हर कैटेगरी में है, और आजकल तो कोई सी भी कैटेगरी ले लो कंपटीशन बहुत है। तो मैं ये किसी को नहीं बोलूँगी कि फिजिक्स छोड़ के जाओ, ठीक है। बट हाँ, जितना मैं करवा रही हूँ उतना जरूर कर लेना। देखो दृढ़ पिंड, तो दृढ़ क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको फिजिक्स के अंदर फॉर्मूले याद है, आप लोगों को क्वेश्चंस करने आते हैं, तो आपको दिक्कत कहीं पे भी नहीं आने वाली। तो देखो सबसे पहले दृढ़ पिंड है ना, तो ऐसा पिंड जिसके सभी कण दृढ़ता पूर्वक इस प्रकार बंधे हों कि उस पर बाहाबल या बल आघूर्ण लगाने पर भी उसके कणों की स्थिति में अपेक्षित विस्थापन न हो, अर्थात उसकी आकृति परिवर्तित न हो, दृढ़ पिंड कहलाता है। आपने डस्टर तो देखा ही है ना, बचपन से देखते हुए आ रहे हो, राइट। चौक डस्टर से ही पढ़ते हैं, तब तो क्या डिजिटल का जमाना है। तो ये देखो वो डस्टर है, अगर आपने जब तक इसका बाहाबल नहीं लगाया, मतलब जब तक उस पर बाहाबल नहीं लगेगा, उसके कणों की स्थितियों में अपेक्षित विस्थापन नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपके घर में गैस का सिलेंडर होगा, सिलेंडर आपको पता है लोहे का बना होता है, तो अगर इस पे बाहाबल नहीं लगाओगे, ऑब्वियस लोहे को जब तक पिघलाया नहीं जाएगा तब तक वो अपने आकृति में परिवर्तित नहीं करेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो दृढ़ पिंड है, ठीक है। दृढ़ पिंड की व्यापक गतियों के बारे में देखते हैं, तो बेसिकली क्या है ना कि जो दृढ़ पिंड है वो दो प्रकार की गतियाँ करता है, स्थानांतरित गति और घूर्णन गति, ठीक है। तो स्थानांतरित गति सीधी सी बात है वो होती है जो इस जिसके अंदर क्या है ना, एक निश्चित समय अंतराल की बात होती है, निश्चित समय अंतराल में समान विस्थापन होता है, अर्थात समान दिशा में चली गई दूरियां समान हो। कहने का मतलब ये है स्थानांतरित गति में एक टाइम के अंदर, जैसे ये कोई पिंड है दृढ़ पिंड, ये उठ के यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये बेसिकली कौन सी गति कर रखा है, कर रहा है, तो स्थानांतरित गति हुई ना, इसकी जगह ही चेंज हो गई, ठीक है। और उसकी गति को स्थानांतरित गति कहते हैं। एक बार आपको रीड आउट करवा देती हूँ। तो देखो, यदि कोई पिंड या निकाय इस प्रकार गति करता है कि उसके प्रत्येक कण का एक निश्चित समय अंतराल में समान विस्थापन हो, अर्थात समान दिशा में चली गई दूरियां समान हो। तो देखो एक बात आपको पहले भी बताई थी, जैसे आपने देखा होगा है ना, ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि अभी केमिस्ट्री की बात कर लो कि जैसे अणु मतलब परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है, अणुओं से मिलकर आपका पदार्थ बना हुआ होता है, राइट। तो काफ़ी सारे अगर अणुओं की बात करेंगे तो ऑब्वियस इसमें बहुत सारे परमाणु के कण देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार से जो दृढ़ पिंड है या जो भी बना हुआ है, जिसकी भी बात करो, तो वो सिंगल तो है नहीं है, बहुत सारे मिलकर ही तो बने होंगे ना। जैसे आयरन की बात कर लेते हैं, आयरन मतलब वही लोहा, Fe की, तो बहुत सारे कण होंगे। तो एक ये बात बोल रहे हैं कि अगर विस्थार स्थानांतरित हो रहा है, तो अगर ये वाला जैसे मान लो ये कोई चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारे कण हैं, तो अगर ये उठ के इस जगह जा रहा है तो इसके अंदर जितने भी कण हैं ना वो सब भी जा रहे हैं और समान दिशा में, मतलब एक ही दिशा में कर रहे हैं सब गति। तो ये इस तरह की जो गति है वो स्थानांतरित गति है, और इसमें सबसे मेन चीज़ ये कि निश्चित समय अंतराल की बात होती है। आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है कि किसी पिंड का किसी तल पर फिसलना या फिर व्यक्ति का किसी तल पर चलना, ये सब क्या है, स्थानांतरित गति। जब आप लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हो ना, तो स्थानांतरित गति करते हो। घूर्णन गति की बात करते हैं, तो घूर्णन गति वो गति होती है जिसके अंदर कोई पिंड है या फिर निकाय है, वो अपने स्थिर अक्ष, आपने बहुत बार, अब कैसे बताऊँ, आपने चक्री खेली है, ये वाली चक्री जिसके अंदर ये छोटा सा, या तो आपने जैसे अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो पक्का खेली होगी, मैंने तो खेली है, ठीक है। जैसे बोतल होती है ना वो थम्सअप वाली, वो छोटी वाली ठंडे की ठंडा बोतल की बात करें, तो उसकी ये जो ढक्कन होते हैं ना, इसको थोड़ा पत्थर से कूट कुटा के एकदम चपटा बना देते थे, राइट। और ये एकदम ऐसा ऐसा हो जाता था एकदम सिक्के जैसा, या फिर सिक्के में छेद वाली चीज, तो इसको इसके अंदर पिरो के और ये धागे से खींचते थे, एक एक अपना हाथ यहाँ एक अपना हाथ यहाँ, तो इसको जब खींचा जाता था ना, तो ये बहुत ही मस्त गोल 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 एक ही अक्ष के सापेक्ष घूमती थी, राइट। तो इसे बोलते हैं घूर्णन गति, जो एक ही अक्ष के सापेक्ष होती है। अगर आप लोग ये सब नहीं जानते तो ऐसे ध्यान रख लो कि आपने वो तो देखी होगी ना जो खिलौनों में निकलती हैं चक्रियाँ, जो आप ऐसे हाथ से, अब कैसे समझाऊं मैं आपको, जैसे ये चक्री है, ठीक है, जैसे आपने इसको ऊपर से हाथ से घुमाया तो ये जमीन पर, मैंने
मैंने घुमाने का ट्राई किया तो पेपर ही घूम गया। ठीक है, तो ये जमीन पर घूमती है ऐसे 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 ऐसे, समझ जाओ यार, बचपन सबका है था। ठीक है, सब जवानी पैदा नहीं हुए है ना, पहले बच्चे ही थे, तो घूर्णन गति उसे कहते हैं ना। इस प्रकार गति करता है, और अब भी किसी को समझ में नहीं आया तो ध्यान रख लेना, एक स्थिर अक्ष के सापेक्ष की हुई गति, ठीक है, उसके सभी कण वर्तीय पथों पर चलते हैं ताकि एक निश्चित समय अंतराल में प्रत्येक कण का कोणीय विस्थापन समान हो। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसके अंदर घूर्णन गति के अंदर बात होती है कोणीय विस्थापन की, ठीक है, तो उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं। इस समस्त वृत्तीय पथों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा को घूर्णन अक्ष बोला जाता है। अब देखो, नियत कोणीय त्वरण से घूर्णन, तो बेसिकली बात ऐसी, अगर आप बोलोगे तो ये वाली पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, बट ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताओ। तो अभी मैंने आपको दृढ़ पिंड के बारे में इसलिए बताया क्योंकि थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए ना अपने टॉपिक के बारे में। अब मैं आपको ये बताती हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो, एक तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए है ना, यहाँ पे रैखिक गति के समीकरण दे रखे हैं और यहाँ पे घूर्णन गति के, इन्हीं से सवाल मोस्टली आते ही आते हैं। तो यहाँ पे रैखिक गति, यदि रैखिक त्वरण नियत हो, अर्थात ए बराबर नियतांक हो, और यदि कोणीय त्वरण नियत हो, मतलब अल्फा बराबर नियतांक, तो सीधी सी बात है कोणीय त्वरण को अल्फा से डिनोट किया गया है और जो रैखिक गति में त्वरण है, रैखिक त्वरण, उसको ए से डिनोट किया गया है। ठीक है, ये समीकरण आप सबको याद होने चाहिए, ऑन टिप्स होने चाहिए, यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। यहाँ पे ये जो एस है वो विस्थापन को शो कर रहा है, बहुत बार आपसे विस्थापन पूछ लेते हैं, और यहाँ पे इसको थीटा से कोणीय विस्थापन, ठीक है, कोणीय विस्थापन को थीटा से लिखते हैं और रैखिक विस्थापन को एस से लिखा जाता है। ये सारे समीकरण एक पेपर पर लिख लेना मेरे कहने पर। आपको मैं पीडीएफ इसीलिए तो नहीं भेज देती क्योंकि आप फिर लिखते नहीं हो, आप पीडीएफ डाउनलोड करते हो फिर फ्री, कोई पढ़ाई वढ़ाई से लेना देना नहीं होता है ना, रिश्ता नाता कुछ है ही नहीं फिर आपका। तो शांति से जो मैं बता रही हूँ वो आप टेबल बनाओगे, ये पेपर पे एक तरफ लिखोगे रैखिक गति, एक तरफ लिखोगे कोणीय घूर्णन गति, और ये सारे आप फॉर्मूले पता होने चाहिए, इनको अप्लाई करना मैं सिखाऊंगी जब मैं इनके इंपॉर्टेंट सवाल करवाऊंगी आपको दो तीन, है ना। अब देखो, यहाँ पे जो भी टेबल में है ओमेगा नॉट, वो प्रारंभिक कोणीय वेग को शो कर रहा है, ओमेगा अंतिम कोणीय वेग को, अल्फा आपको बताया दिया था कोणीय त्वरण, और थीटा जो है वो कोणीय विस्थापन। ठीक है, अब देखो वहाँ पे हमने पढ़ा था, अपना यहाँ पे टॉपिक चल रहा था, एक सेकेंड, नियत कोणीय त्वरण से घूर्णन, नियत का मतलब किसी चीज़ को कांस्टेंट कर दिया, राइट। तो हमने एक जगह पढ़ा था कि जो रैखिक त्वरण है उसको कांस्टेंट कर दिया और दूसरी तरफ हमने कोणीय त्वरण को कांस्टेंट कर दिया, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर ऐसा कुछ सवाल में गिवन हो तब तो ये वाले समीकरण काम आएगी। लो इस पेपर को क्लियर कर देती हूँ आपकी खुशी के लिए, ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा तो ये वाली समीकरण काम में आएगी, बट अगर मतलब ये वाली टेबल यूज आएगी, अदरवाइज अगर परिवर्ती कोणीय त्वरण है, मतलब नियत इस बार कुछ भी नहीं रखा, तो फिर वो वाली ऊपर वाली समीकरण मत लगा देना गलती से कि हमने तो एक ही यही समीकरण ने याद हुई है हम तो यही लगाएंगे, ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। तो यदि कोई कण परिवर्ती कोणीय त्वरण से घूर्णन कर रहा है तो उपरोक्त घूर्णन गति के समीकरण प्रयुक्त नहीं होते, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये आपको कैसे पता चलेगा, आप क्वेश्चंस पढ़ोगे ध्यान से तब। स्थिति में स्थानांतरण एवं घूर्णन गति को तुलनात्मक रूप से नीचे प्रदर्शित किया गया है, तो अब इनके लिए ये फॉर्मूले काम में आएंगे। ठीक है, रैखिक गति के लिए ये वाले और घूर्णन गति के लिए ये वाले। अब बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण की। तो देखो, जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो किसी वस्तु का वह अंतर्निहित गुण है जिसके कारण वह वस्तु अपने विरामावस्था अथवा एक समान घूर्णी गति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। सीधी सी बात याद रखो, अगर आप लोग बैठे हो मस्त एकदम सोफे पे, हैं मम्मी बोले थोड़ा बेटा साइड हो जा, होगे क्या आप? अगर आपसे प्यार से बोले मम्मा थोड़ा सरक जाए, अगर आज्ञाकारी बच्चे हैं तो सरक जाओगे, अदरवाइज यही बोलोगे मम्मा प्लीज़ यार आप वहीं बैठ जाओ, है ना, हम यहाँ बैठे हैं मस्त टीवी चल रही है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, तो जो आपका मन है ना वो चढ़ोतर का काम कर रहा है, क्योंकि आपका आपका मन कर ही नहीं रहा वहाँ से उठ के कहीं दूसरी जगह जाके बैठो। वो बोल रहा है भाई तू जिस आराम वाली स्थिति में है, जिस विरामावस्था में है, उसी में रह, तू अपनी स्थिति में परिवर्तन मत कर। ठीक है, बट पापा आ गए मम्मा की जगह और बोले बेटा चल साइड में उठ के बैठ जा, मेरे को यहाँ बैठनी है और टीवी देखनी है। अब फटाफट बिना कुछ पूछे साइड में जाके बैठ जाओ, कि ये मोस्टली फैमिलीज में देखा जाता है कि पापा से बच्चे ज़्यादा डरते हैं, तो इसी वजह से ये एग्जांपल देके समझाया मैंने। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जा कर के बैठ जाओगे। तो वही चीज़ है, एक सेकेंड बताते हूँ,
तो हमने मैंने आपको ये समझाया कि विराम अथवा एक समान घूर्णी गति में परिवर्तन का जो विरोध करता है वही आप जड़त्व आघूर्ण होते हैं, मतलब आपके अपनी मर्जी से चलेंगे, ठीक है। तो किसी कण का जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है आई बराबर एम आर स्क्वायर, जहाँ आर जो है वो कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है। घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है इसका मतलब जैसे यहाँ पे कोई घूम रहा है तो ये घूर्णन अक्ष है, मान लो एक्स, ठीक है, तो इससे लंबवत दूरी, मतलब इससे ये वाली लंबवत दूरी जो है वो घूर्णन अक्ष से एक्स के सापेक्ष। अभी मैं आपको जड़त्व आघूर्ण बताऊंगी ना बहुत सारे, तब बता दूंगी, ठीक है। यदि कोई वस्तु कणों से मिलकर बनी होती है तो उस वस्तु का जड़त्व आघूर्ण होता है। अगर मान लो बहुत सारे कण से मिलकर बनी हुई है तो सबका अपना अपना जड़त्व आघूर्ण होगा, सारे कण का अपने अपने कणों का, मतलब जैसे तीन कण है तो तीनों का अलग अलग जड़त्व आघूर्ण होगा, तो उन सबको एक साथ जोड़ देंगे। जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक जो होता है, ध्यान रखना, कभी कभी यूनिट भी पूछ ली जाती है, एग्जामिनर का कुछ पता नहीं है, तो जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और बहुत सारे सवाल तो आप अगर ऑप्शंस देखोगे जैसे ए बी सी में, तो अगर एक दो ऑप्शन में अगर आपको यूनिट पता होगा तो आप ऐसे ही कट कर दोगे, क्योंकि क्या करता है एग्जामिनर, यूनिट्स में खेलता है, आपको यूनिट्स गलत दे देगा। आपको अगर सही पता होगी तो आप गलत को हटा ही दोगे ना शुरू से ही। तो जो जड़त्व आघूर्ण होता है उसका ऐसा ही मात्र किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। अब आप पूछोगे मैम क्यों होता है, तो देखो आई बराबर एम वन आर वन स्क्वायर फॉर्मूला होता है, राइट। तो एम वन ये मास है, आप आपको भी बताया, आप घर शॉप पे जाते हो तो क्या बोलते हो, एक किलो चीनी देना, राइट। तो किलोग्राम इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब मीटर स्क्वायर इसकी आर की, क्योंकि आर एक तरह से देखा जाए तो दूरी ही हो गई ना, और इसको R से डिनोट किया गया है और इसको मीटर में लेते हैं, तो इसी वजह से जो जड़त्व आघूर्ण है उसका आपको ऐसा ही मात्र क्या देखने को मिलेगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो न तो सदिश है और न ही अदिश है, ठीक है, मतलब न ही अदिश है ना ही सदिश है, वो एक प्रदिश राशि होती है, ठीक है। और प्रदिश राशि अगर जो मैथ बैकग्राउंड से है उनको पता होगा, बीएससी अगर करिए तो बीएससी में जाके पढ़ते हो आप लोग प्रदिश राशि के बारे में, तो ये ना पूर्ण रूप से अदिश होती है ना ही पूर्ण रूप से सदिश होती है, सीधी सी बात है प्रदिश राशि है। जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान द्रव्यमान वितरण तथा घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है, और जो जड़त्व आघूर्ण है वो द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको फॉर्मूला बताया था एम आर स्क्वायर, द्रव्यमान वितरण पर भी निर्भर करता है और घूर्णन अक्ष की स्थिति पर भी निर्भर करता है। मैंने दृढ़ पिंड गति के दो छोटे छोटे लेक्चर्स लिए थे, अगर किसी को द्रव्यमान वितरण समझ में ना आए तो आप वो जा करके प्लेलिस्ट पर पढ़ें, देख सकते हो, ठीक है। घूर्णन त्रिज्या, तो घूर्णन त्रिज्या के, घूर्णन त्रिज्या में वैसे के लिए आपको उसे फॉर्मूला याद कर लेना, यहाँ पे ये जो के है वो क्या है, घूर्णन त्रिज्या, ठीक है। अर्थात किसी पिंड के दिए गए अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या उसमें निहित विभिन्न कणों की अक्ष लंबवत दूरी के वर्ग माध्य मूल के तुल्य होती है। अब आप ये इतना याद करोगे इससे अच्छा है ये याद कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा। इसमें यही चीज़ बोली गई है, वर्ग माध्य मूल का मतलब समझते हो ना, वर्ग मूल किसी का स्क्वायर कर देना, तो देखो आर वन आर टू आर थ्री इनका स्क्वायर करके इनका रूट ले लिया है ना, यही चीज़ इन्होंने थ्योरी में लिखी हुई है। बट अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो फॉर्मूले पर ध्यान दो, थ्योरी पर नहीं, ठीक है। अब देखो जड़त्व आघूर्ण से संबंधित प्रमेय, तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये पता होना चाहिए अक्ष के बारे में, ठीक है। तो देखो किसी पिंड का किसी दिए गए अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई से डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया था। द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले तथा दिए गए अक्ष के समानांतर किसी अक्ष के परितः अगर जड़त्व आघूर्ण की बात की जाए तो एम व दोनों अक्षों के मध्य लंबवत दूरी जो होती है वो डी के गुणनफल के योग के तुल्य होती है। मुझे भी पता आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो इन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि जैसे ये कोई एक अक्ष है इसके सापेक्ष यहाँ पे मतलब इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण आई सी एम है, ठीक है, और इस पर रेखा के सापेक्ष ये आई है ना, तो इन्होंने बोला है कि टोटल कितना होगा ये वाला, तो ऑब्वियस है इन दोनों को जोड़ दिया आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। ये एम डी स्क्वायर क्या है, तो ये इन्होंने बोला है कि द्रव्यमान एम का जो पिंड है मतलब एम द्रव्यमान का जो पिंड है वो दोनों अक्षों के मध्य लंबवत दूरी डी के वर्ग के गुणनफल के योग के तुल्य होता है। भाई साहब कितनी टिपिकल लैंग्वेज है, वैसे आप ये किसी काम के नहीं काम नहीं आने वाले, दिमाग मत लगाओ, ठीक है। ये सीरीज इसीलिए चलाई गई है ताकि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस हो। ये तो खैर सबको पता ही होगा, आप एक्स वाई जेड ये प्रमेय तो यूज़ में लेते ही हो, है ना, ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होती है, ये आपको ऐसे आपकी तरफ आती हुई दिखेगी, ये 90 डिग्री पे, भाग मत जाना ये आपकी तरफ आ रही है तो, ठीक है, ये से समझाया है। तो आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई ऐसे लिख सकते हैं,
और आई वाई बराबर आई एक्स प्लस आई जेड लिख लो, ऐसे चलता रहता है ये तो, ठीक है। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं थी बट दिख गया तो बताना जरूरी था। भला आपको उनका फॉर्मूला पता होना चाहिए ओनली कि टॉ बराबर, ये जो टी जैसा होता है ना, ये टॉ होता है, टॉ बराबर आर इंटू एफ, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पे बलाघूर्ण जो है वो एक अक्षीय सदिश है, ये भी ध्यान रखना, और इसका मात्रक ध्यान रखना, ऐसा ही मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कोणीय समय का फॉर्मूला याद कर सकते हो आप आर इंटू पी। इसके अलावा अच्छा देखो, कोणीय समय परिवर्तन की जो दर है वो कण पर लगने वाले कुल बल आघूर्ण के तुल्य होती है। ये कैसे पता चला? इन फॉर्मूले से, ठीक है, कि जो कोणीय समय परिवर्तन की दर है, मतलब dl बाई डी टी बोल दो, इस पर लगने वाला जो कुल बल है, बल आघूर्ण है, मतलब जो कुल बल आघूर्ण के तुल्य होता है, मतलब बराबर होता है, ठीक है। तो बल आघूर्ण को बताया ना मैंने आपको, टो से डिनोट करते हैं, तो ये देख लो इधर टो आ गया निकल के। अगर किसी को ये पीडीएफ देखनी हो तो आप देख सकते हो, अदरवाइज ये सीरीज इसलिए चलाई गई क्योंकि मुझे 20 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट करनी है, राइट। और हाँ, एक बच्चे ने पूछा था कि मैम ओनली सामयिक संरक्षण का नियम दिया हुआ है, तो ओनली सामयिक संरक्षण ही पढ़ना है, राइट। जितना सिलेबस में दिया है सिर्फ उतना ही पढ़ोगे आप। इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि जब किसी निकाय पर परिणामी बहा बल शून्य होता है, मतलब बाहर से लगने वाला बलागुण शून्य हो जाता है, तो निकाय या पिंड का जो कुल कोणीय संवेग है वो नियत रहता है। मतलब जब बाहर से बलागुण नहीं लगेगा तो कोणीय संवेग के अंदर भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, कांस्टेंट रहता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो डी एल बाई डी टी बराबर जीरो, क्योंकि एल बराबर नियतांक है। और आपको, आपने अगर डिफ्रेंशिएशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जब किसी भी कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है तो उसको आप लोग जीरो लिख सकते हो। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपके इतने काम के नहीं है बट फिर भी हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब पता नहीं मीनिंग इतनी लंबी है बाहर जाएगी, अब इसके आगे की फोन के बाहर लिख दी, ठीक है। तो dl by dt बराबर जीरो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे l को कांस्टेंट लिया गया है और किसी भी नियतांक का जब अवकलन, याद आ गया, डिफ्रेंशिएशन को हिंदी में बोलते हैं अवकलन, तो जब इस किसी का अवकलन करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, ठीक है, तो आपको, और घूर्णन गतिज ऊर्जा जो है एक प्रकार की अधिस राशि है और इसका मात्रक जूल है, बेसिकली जो ऊर्जाएं होती हैं वो जूल में ही होती हैं। ये है भाई साहब इस, मतलब अगर किसी ने ओनली इतना भी पढ़ लिया ना, इतना भी रट लिया और इनको, इन फॉर्मूले को अप्लाई करना आ गया ना, आपके कोई सवाल नहीं छूट रहे। यहाँ से 2000, इस टेबल से 2016 में भी सवाल आया है, 2018 में भी सवाल आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस टेबल को समझाने में मुझे थोड़ा टाइम भी लगेगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मुझे पता है मेरी मेहनत बेकार जाएगी, आप लोग बिल्कुल नहीं देखोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और आप मुझे थैंक यू बोलते हो ना कमेंट में, थैंक्स मैम, है ना, पढ़ाने के लिए, उस थैंक्स की जगह से एक काम करना, इस वीडियो को 4 लोगों तक शेयर कर देना, क्या पता 4 में से 2 जने आके सब्सक्राइब करते, ठीक है। तो अब मैं आपको ये टेबल नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। बाय बाय।